आज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मेरा नाम है अवधेश और आज हम आपको एक ऐसे हुनरमंद कलाकारों से मिलाने वाले हैं बुंदेलखंड में जिन्होंने अपना नाम रोशन कर रखा है और नाम रोशन कर रखा है संगीत के क्षेत्र में। इन बच्चों को आपने पहले भी अन्य चैनलों पे देखा होगा। इनमें इतना टैलेंट है, इतने हुनरमंद है, इतनी कम उम्र में एक ढोलक पर आपको दिखाई दे रहे होंगे बाबू, एक पेटी पर, ये उनका साथ देंगे। इस तरह से संगीत का एक शिक्षा भी ले रहे हैं और बहुत कम उम्र में इन्होंने जो बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिस करने के बाद लोग नहीं सीख पाते हैं उतना सीख लिया है। तो उनका परिचय जानते हैं भैया का, नाम जानेंगे। क्या नाम है भैया? ऋषिराज। ऋषिराज गांव का नाम? जोर से बोलो भैया। गांव का एक बार अपना नाम जोर से बोलो। ऋषिराज। अच्छा, गांव का नाम? टिकरिया। टिकरिया। और आपका? लवकुश राजपूत। लवकुश राजपूत। और गांव का नाम? कढ़ाई। कढ़ाई। आप भैया? ऋषिकांत। ऋषिकांत। और गांव का नाम? तुलना। तुलना। तो ये तीन लोग हैं जो संगीत में, इतना गायन में और बहुत सुंदर पेटी हारमोनिया आपको सुनाई देगी और ढोलक पर भी उतने ही साथ देते हैं। तो जल्दी ही आपका इंतजार खत्म करके एक आपको धुन सुनवाते हैं, फिर उसके बाद उनके पापा जी का और कैसे उनका संगीत में इंटरेस्ट बढ़ा ये बात में आपको बताएंगे। तो भैया सुनाएं हमारे दर्शकों को, आप शुरू करें। क्या सुनाने वाले हैं हमें? नांगन धुन, जो आपकी बहुत फेमस है, नांगन धुन के साथ और ढोलक पर भैया साथ देंगे। शुरू हो जाइए। क्या बात है, मन मुग्ध हो गया। साक्षात सरस्वती इन बच्चों के हाथों में है और इतना बेहतरीन नांगन धुन। तो भैया कैसे कर पाते हैं और कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? लगभग हमें डेढ़ या दो साल हो गए। डेढ़ दो साल। कैसे आया मन में कि हमें संगीत की तरफ, कैसे रुचि बढ़ी आपकी? नहीं, हम जब लॉकडाउन से बाहर आए यहाँ से, यहाँ पर अच्छा कमरा बना, मकान बना था यहाँ पर, तो एडमिशन नहीं हुआ यहाँ पे, स्कूल टीसी नहीं कटी थी हमारे। अच्छा। तो यहाँ पे मम्मी कह रहे हैं खाली बैठे रहते, तो यहाँ पे संगीत की कोचिंग है बगल में। अच्छा। तो ये लॉकडाउन किसी के इसी के लिए मुसीबत लेके आया, तो किसी किसी के लिए अलग चीजें भी लेकर के आया। तो आपने लॉकडाउन में फ्री थे तो मम्मी ने कहा कि फ्री क्यों बैठे हो, और तब आपका इंटरेस्ट बढ़ा। आपका भैया कुछ अलग है, इसी तरह है? इसी तरह। आप साथ में ही रहे तो क्या भाई भाई हैं? कैसे भाई भाई नहीं है, दोस्त हैं। दोस्त हैं और ऐसी दोस्ती की संगीत में आप भी कुछ बजा के दिखाते हैं ना, तो कुछ गायन में भी आपका हाथ है कि केवल बजाने में ही इंटरेस्ट है गायन में? तो जल्दी ही और ये प्रोग्राम आपको बुंदेली मिक्स प्रोग्राम करके चैनल है, तो उस पर भी आपको ये वीडियो मिलेगा। आप उस चैनल को भी ढेर सारा प्यार दीजिए, हमारे शिवपाल जी उसको चलाते हैं और बहुत ही शानदार वीडियो उसमें आपको मिलेंगे। तो हो जाए कुछ है गाने, एक अभी तो धुन सुना है, गाते गाते कुछ हो जाए आपके मुखारविंद से, तो हमारे दर्शक कहीं ना जाएं और बच्चे के मुंह से ये सुंदर सा क्या सुनाने वाले हैं जो आपको मन पसंद हो, अब आपकी पसंद का सुनेंगे हम।
ठीक है, भजन सुना रहे हैं, आ जाइए तो भजन के साथ चलते हैं, सुनिए। और बहुत शानदार है, एकदम ढोलक में और हारमोनियम ऐसे साथ साथ चल रहे थे जैसे कोई बहुत बड़े बॉलीवुड के का। तो कैसे लोकस हैं? आपसे फिर से वही क्वेश्चन है मेरा कि आपके गुरु कौन हैं और कैसे आपने और किन के जैसे बनना चाहते हैं? गुरु जैसे बनना, गुरु कौन है? गुरु जी का नाम महन सूरवंशी जी। अच्छा, कहाँ पर शिक्षा देते हैं गुरु जी? यही है, संगीत में भी है और मतलब बाल मंदिर में अध्यापक है, अध्यापक है संस्कृत के, संस्कृत के अध्यापक है और बाल मंदिर में
तो गुरुजी आपके बाकी शिष्य आपका नाम रोशन कर रहे हैं, लोकस और है भैया का नाम मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ, ऋषि राजपूत। भैया ऑर्गन भी प्ले करते हैं। अच्छा ऑर्गन भी प्ले करते हैं, ये बात अभी तो भैया है इनका भी, क्योंकि इनका भी थोड़ा सा देखना है, तो अब लोकस इनको भी मौका दिया जाए। ये क्या बजाते हैं? जी भी हारमोनियम बजाते हैं। तो आप भी